देश की राजधानी दिल्ली की उस बदहाल सिस्टम की बात करेंगे जिसके कारण तीन होनहार छात्र बेसमेंट में डूब गए। मौत का वो सैलाब आईएएस की तैयारी कर रहे छात्रों को डुबा गया। आईएएस देश की सबसे बड़ी सेवा, सिविल सर्विसेज में भर्ती होने का सपना लेकर ये छात्र छात्राएं राजधानी दिल्ली पहुंचे थे। कौन है ये छात्र छात्राएं, आपको ये जानना बहुत बेहद जरूरी है। हम सबसे पहले बात करेंगे नवीन डेलविन की। 28 साल के नवीन डेलविन जो है ये इरनाकुलम के थे और केरल से आते हैं। श्रेया यादव 25 वर्ष की, अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश की। और तानिया सोनी भी 25 वर्ष की थी, औरंगाबाद बिहार की है। और इन सभी बच्चों का सपना आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भर्ती होने का था। सब कुछ छोड़ छाड़ के इन बच्चों के लिए ये तपस्या थी कि किसी तरह ये आईएएस बन जाए। और इसी के लिए बहुत ही प्रतिष्ठित एक कोचिंग सेंटर में इन्होंने दाखिला भी लिया। पुराना राजेंद्र नगर का वो इलाका राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अचानक पानी भर गया और इसकी वजह से इन तीन छात्र छात्राओं की मौत हो गई। 25 साल की श्रेया, 25 साल की तानिया और 28 साल का नेविन डेलविन। दिल्ली पुलिस और एमसीडी समय एक्शन में, लेकिन हर बार की तरह घटना घट जाने के बाद एमसीडी की ओर से एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस समय एमसीडी ने कोचिंग सेंटर्स कई कोचिंग सेंटर्स इसमें दृष्टि आईएएस नेहरू विहार केंद्र को सील कर दिया है। उसके फील्ड स्टाफ ने सर्वेक्षण के दौरान पाया कि टावर नंबर 1, 2 और 3 के बेसमेंट में चलाए जा रहे कोचिंग सेंटर में नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। तो इस घटना को घटने के बाद अब प्रशासन जागा है और सर्च एंड सील ऑपरेशन इस समय एमसीडी के चल रहे हैं। दरअसल बेसमेंट में ये आईएएस सेंटर चलाना गैर कानूनी है। वहां पर आप स्टोरेज कर सकते हैं, पार्किंग कर सकते हैं, लेकिन वहां पर क्लासेस नहीं हो सकती। अच्छा, इससे पहले आज ओल्ड राजेंद्र नगर के राव कोचिंग सेंटर में शनिवार को हुई तीन छात्रों की मौत के बाद सड़क से लेकर संसद तक जबरदस्त हंगामा और हलचल। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना राव कोचिंग सेंटर पहुंचे और वहां छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों ने एलजी से बात किया, एलजी ने छात्रों को मुआवजे का प्रस्ताव दिया, लेकिन छात्रों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी दौरान इंसाफ की मांग करते हुए छात्र छात्राओं ने नारेबाजी की। इस बीच दिल्ली पुलिस ने आज 5 और लोगों को हिरासत में लिया। इनमें बेसमेंट के 4 मालिक समेत वो काली एसयूवी का ड्राइवर भी था। दरअसल वो काली एसयूवी से ही वो सड़क पर पानी भरा था, तेज रफ्तार वो एसयूवी वहां से लेकर गया और उसी के वजह से कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी घुस गया। कोचिंग सेंटर का गेट टूटा और बेसमेंट में पानी एकाएक भर गया। इस बीच एक जूनियर इंजीनियर को भी बर्खास्त कर दिया गया है और एक सहायक इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया है। वहीं दिल्ली फायर डिपार्टमेंट ने राव कोचिंग इंस्टीट्यूट बिल्डिंग की एनओसी को कैंसिल करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि यह सब कुछ कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई, क्यों तीन बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन इन सब सवालों का जवाब देने के लिए जिन लोगों को सामने आना चाहिए वो तो खुद ही इस समय प्रदर्शनबाजी कर रहे हैं। दरअसल राजेंद्र नगर यूपीएससी अभ्यर्थियों की मौत के मामले में आम आदमी पार्टी ने जहां उपराज्यपाल का घिराव किया, एमसीडी कमिश्नर का इस्तीफा मांगा, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर की ओर जबरदस्त प्रदर्शन किया। हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आगे बढ़े, जिसके जवाब में पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह हादसा भी नहीं है, यह हत्या है। बीजेपी का आरोप यह है कि यह घटना आम आदमी पार्टी के शासन वाली एमसीडी की लापरवाही की वजह से हुई है। ना वहां स्ट्रॉम ड्रेन्स जो थी, यानी बारिश से पहले नालियों का रखरखाव और सफाई जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और जिस तरह एमसीडी को अपना काम करना चाहिए था एमसीडी ने अपना काम तक नहीं किया।
सारे अधिकारियों का नियंत्रण कंट्रोल माननीय एलजी के हाथों में है। सर्विसेज डिपार्टमेंट जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दे दिया था अरविंद केजरीवाल जी को, भाजपा ने आनंद फानंद में ऑर्डिनेंस ला करके फिर छीन लिया था। तो आज पूरी दिल्ली जान गई है कि सारे इस प्रकार के अधिकारियों का जिन्होंने काम नहीं किया, जिन्होंने डिसिल्टिंग नहीं की, उनको शाबाशी कहां से मिल रही है? एलजी साहब से मिल रही है। दिल्ली कोचिंग हादसे में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है और एमसीडी के अधिकारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ एमसीडी राजनीति का इस समय जबरदस्त अखाड़ा बन चुकी है। राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे में एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने जबरदस्त हंगामा किया। इन पार्षदों ने मेयर शेली ओब्रॉय के इस्तीफे की मांग की। खास बात यह है कि ठीक उनके बगल में कांग्रेस पार्षदों ने भी धरना शुरू किया और कांग्रेस पार्टी भी मेयर के इस्तीफे की मांग कर रही है। इस हादसे के बाद उन तीन छात्र छात्राओं की मौत के बाद एमसीडी के अधिकारियों की नींद खुली और वो बुलडोजर लेकर अब राजेंद्र नगर पहुंचे हैं। यहां उन्होंने सबसे पहले जो स्विच सिस्टम है, यानी जो स्टॉर्म ड्रेन्स है, जहां से बारिश का पानी, अगर तेज बारिश का पानी आ जाए तो उन स्टॉर्म ड्रेन्स के जरिए वो निकल सकता है, लेकिन उन नालियों पर जबरदस्त अतिक्रमण हो चुका है। अब उस अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू की, लेकिन सवाल ये कि यही सब कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई? आखिर क्यों नहीं राजेंद्र नगर में पहले बुलडोजर पहुंचे? और जब यह अतिक्रमण हो रहा था तो एमसीडी क्या आंख बंद करके बैठी थी उस समय? देखिए ये रिपोर्ट। फिलहाल जो नजर है वो नजर इन बुलडोजर्स पे इसलिए है क्योंकि अब तक जो एमसीडी ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके वजह से तीन मौत हो जा चुकी है, वही एमसीडी अब जाके जागी है। बुलडोजर पहुंच चुकी है राजेंद्र नगर और जो ड्रेनेज सिस्टम्स को बंद करवा दिया गया वो अब खोला जाएगा। लेकिन अगर एमसीडी चाहती और एक्शन पहले लेती, जो अब एक्शन लिया जा रहा है, तो हम इन तीन जान को बचा सकते थे। अच्छा, जिस समय एमसीडी के अफसर राव कोचिंग सेंटर और उसके आसपास अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई करने के लिए पहुंचे, उसी दौरान आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने उनसे कई सवाल किए और खासतौर पर यह सवाल कि यह कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई। देखिए अरविंद ओझा के सवालों से एमसीडी के अधिकारी किस तरह बचते रहे, कन्नी काटते रहे। इस इलाके की जिम्मेदारी आपकी है सर, आपका नाम बता देंगे? सर कैमरे पे हम आज तक की इंडिया टुडे की पूछ रहे हैं, इस इलाके के ड्रेनेज सिस्टम की जिम्मेदारी आपकी है ठीक करने की या बिल्डिंग मैनेजमेंट की? हमारी है। आप ही की है ना, तो आपको मालूम है कि आप भी इसमें आरोपी, एफआईआर दर्ज है। क्या नाम है आपका सर? मैं अपना काम कर लूँ सर। नहीं, आप अपना काम करिए, हम आपसे सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पर ये डेमोलेशन के लिए आए हैं दिल्ली पुलिस? अपना काम कर लूँ, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि पहले आपको सुध क्यों नहीं आया? पहले आपको ये सुध क्यों नहीं आया जब इंसिडेंट के? बिल्कुल आप सफाई करिए, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। आप करते रहिए, आप करते रहिए, उसी में आपसे बात करूंगा। मैं अपना काम कर लूं, आप करते रहिए, उसी में बात करूंगा। थोड़ी देर में अपना आप मुझे पहले बताओ, अपना नाम बताइए सर। मैं अपना काम कर लूं थोड़ा। आप बिल्कुल करिए, हम बाधा नहीं डाल रहे हैं सर, काम में बाधा नहीं। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप यहाँ पर आए, मैं अपना काम कर लूं पहले एक बार। बिल्कुल अपना काम करिए, पहले अपना काम आप कर लेते तो इस तरह का बड़ा ये इंसिडेंट और दुर्घटना नहीं होती सर। वो एसएसपी साहब ने मना कर दिया। ये यहाँ पर जो एमसीडी के अधिकारी है, इन्होंने खुद कहा कि ड्रेनेज सिस्टम और बिल्डिंग मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। ये एक नोटिस लेकर आए और दिल्ली पुलिस के जो यहाँ अधिकारी है इनसे इन्होंने बात की है कि यहाँ पर जो इलीगल इंक्रोचमेंट है उसको ध्वस्त करना। हालांकि अभी तक दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने परमिशन नहीं दी है और इंडिया टुडे की टीम बार बार इनसे पूछताछ कर रही है। ये जो तमाम एमसीडी के अधिकारी है, मैं इनसे फिर पूछता हूँ सर, ये आप भी आए हैं इनके साथ, तो ये ड्रेनेज सिस्टम बिल्डिंग मैनेजमेंट की जिम्मेदारी यहाँ आपकी है? सब काम करना था ज्यादा अच्छा हमारे लिए, पहले कर लेते काम ना सर। कोई बात, यहाँ पर इतना पानी है, वीडियो में दिख रहा है यहाँ पर, और वही पानी बेसमेंट के अंदर गया सर। अरे सर, उस वक्त कॉल आई थी सर, उस वक्त कॉल आई सर, मैं अपना काम कर लूँ थोड़ा। उस वक्त कॉल आई थी आपके पास? मैं अपना काम कर लूँ उस वक्त सर। आप सर, ये आप कैमरे पर है, आप ये बताइए सर। मैं अपना काम कर लेता हूँ प्लीज। तो ये देखिए, अपना काम कर लेते हैं, लेकिन पहले इन्होंने अपना काम नहीं किया, पहले काम कर लेते तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता।
एमसीडी के अधिकारी अगर समय पर काम कर लेते, स्टॉर्म ड्रेन्स जो हैं उनकी सफाई हो गई होती, अगर यह अतिक्रमण नहीं हुआ होता तो संभवतः वो तीन होनहार छात्र छात्राओं की जान नहीं जाती। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे का मुद्दा संसद में भी गूंजा। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने पूछा कि इमारतों पर तो बुलडोजर वहां तो चल रहे हैं, यहां कब चलेंगे? सुनिए। जो घटना हुई है दर्दनाक घटना है। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसी देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है, नंबर एक। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या देखिए सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इन हादसों के लिए और खासतौर पर इस हादसे के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। जवाब में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि अफसरों के ट्रांसफर का अधिकार छीनकर दिल्ली सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने ही कमजोर किया। एक सैलाब आया जो तीन बच्चों को के जीवन को बहा के ले गया, उनके परिवार की आशाओं और आकांक्षाओं को बढ़ा के ले गया, मगर अफसोस की बात है कि जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी उनकी आंखों में एक आंसू तो छोड़िए, उनके माथे पर शिकन भी नजर नहीं आई। बजाय इसके कि वो नाना प्रकार से चीजों में इस चीज में अपना बचाव और मैं कहूं कि कुछ हद तक निर्लज्जता के साथ राजनीति करते हुए नजर आए। सौरभ भारद्वाज जी, आतिशी मार लेना जी, गोपाल राय जी, इमरान हुसैन जी, अधिकारियों से कह रहे हैं डिसिल्टिंग कराओ, अधिकारियों से कह रहे हैं नाले साफ करो, अधिकारियों से कह रहे हैं लेबर लगाओ, नहीं तो नाले भर जाएंगे, दुर्घटना हो सकती है। एक भी आदमी, एक भी अधिकारी सिर्फ एलजी संचालित करता है उसको इसलिए हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं मानवर? हमारी मैं निवेदन करना चाहता हूं उसकी जांच कराइए मानवर। और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ये बड़ी बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उनकी पार्टी के नेता और मंत्री लगातार डीसिल्टिंग की मांग कर रहे थे, ऐसा नहीं हुआ। दरअसल संजय सिंह जिस मीटिंग का जिक्र कर रहे हैं वो 28 जून को सौरभ भारद्वाज ने की थी। उस मीटिंग में डीसिल्टिंग को लेकर यानी नालियों की सफाई को लेकर किस तरह की बात हुई, और ना केवल नालियां स्टॉर्म ड्रेन बल्कि नालों की सफाई को लेकर क्या हुआ था, सुनिए। अनबरासु जी, पिछले साल भी इसकी डीसिल्टिंग नहीं हुई थी। मैंने पेन ड्राइव में वीडियो बना के बिफोर रेन्स विद इंटरव्यूज ऑफ शॉपकीपर्स अराउंड कि यहाँ कोई डीसिल्टिंग नहीं हुई, आपके नाम पे मैंने शिकायत भेजी, पेन ड्राइव लगा के भेजी, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। तो क्या है फिर ऑफिसर्स को लगता है कि डीसिल्टिंग करो ना करो कोई एक्शन तो हो नहीं रहा? और ये बड़ी बात है, डीसिल्टिंग हुई कब, हुई नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? दूसरी तरफ इस मुद्दे को लेकर नई दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी को कोसा तो आम आदमी पार्टी ने अफसरों पर जो केवल एलजी का आदेश मानते हैं यह मुद्दा उठाकर ठीकरा एलजी पर और अफसरों पर फोड़ा। सुनिए। एक दशक से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता भोग रही है लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं कर रही। अध्यक्ष जी, पिछले 2 सालों से नगर निगम यानी एमसीडी भी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, ड्रेनेज की सफाई दिल्ली जल बोर्ड के दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन इन्होंने ना अपग्रेडेशन करी है ना डीसिल्टिंग करी है नालों की। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें कहना चाहूंगी, ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हुआ 22 जुलाई 24 जुलाई 2 दिन से लगातार वहां के स्थानीय विधायक, वहां के स्थानीय पार्षद, वहां के अधिकारियों को लगातार स्थानीय निवासी इसकी शिकायत कर रहे थे। विधायक जी व्यंग तो कर रहे थे लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मेरा आपसे निवेदन है कि गृह मंत्रालय से अनुरोध करती हूं कि एक जांच समिति बनाई जाए जहां पर ये जो दिल्ली सरकार जो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है इसमें इंक्वायरी बिठाई जाए। एलजी साहब ने कहा कि पिछले डेकेड से दिल्ली के ऊपर ड्रेन के ऊपर कोई काम नहीं किया, डेके मतलब 10 से 15 साल से। एलजी साहब खुद कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एलजी साहब खुद कह रहे हैं कि ड्रेनेज के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई,
ड्रेनेज का पूरा सिस्टम बिठा दिया गया। हम 6 महीने 8 महीने साल से एमसीडी के अंदर आए हैं, हम उसके ऊपर आप चले जाइए पूरे राजेंद्र नगर के अंदर, हम ड्रेनेज के ऊपर काम कर रहे हैं, जहां भी एक्शन बन रहा है वो सारी चीजें के। लेकिन जो बड़े सीटों पे अधिकारी बैठे हुए हैं जिन्होंने ये सारी चीज, उनका भी तो जिम्मेदारी बनती है, उनको एक्शन लें। दरअसल राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने भी दो टूक कहा कि कोचिंग तो अब कारोबार बन चुका है। उन्होंने ये टिप्पणी और इतनी तीखी टिप्पणी, आप ये सोचिए कि भारत तो शिक्षा का केंद्र आदिकाल से रहा है, तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हमारे देश में रहे हैं, लेकिन कोचिंग व्यापार कैसे बना, कब बना, क्या है उनकी टिप्पणी, सुनिए। कोचिंग हैज बिकम वर्चुअली कॉमर्स। एवरी टाइम वी रीड अ न्यूज़पेपर, फ्रंट 1 or 2 पेजेस आर बाय वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स। In a country where opportunities are getting enlarged, this silo is turning out to be a problem. The honorable members have raised an issue. I deem it appropriate to have a short duration discussion or a calling attention first under 176 or under rule 180. दुर्भाग्यवश दिल्ली में 3 छात्रों की मौत पर शर्मनाक सियासत चल रही है और उस पर यूपीएससी के अभ्यर्थियों पर उन्होंने करारा वार किया है। ये वो कैंडिडेट्स हैं जो यूपीएससी की परीक्षा देने के लिए सब घर बार छोड़कर यहां राजधानी दिल्ली में आए हैं, यहां पढ़ाई कर रहे हैं। उनकी क्या अपेक्षाएं हैं प्रशासन से, सरकार से? प्रदर्शनकारी छात्रों ने आखिर क्या कहा, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। अथॉरिटीज पॉलिटिशियंस जो आ रहे हैं वो अपनी बाइट देकर के अपना नेम एंड फेम बना करके निकल जाते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं। ये देखिए आप मेरे हाथ में, आप प्लीज जूम इन करिए, ये प्रेस रिलीज है राव आईएएस का, जिसमें वो हमें केवल संवेदनाएं दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हम सपोर्ट करेंगे सारी चीजों में ताकि सच सामने आ सके। आपकी जिम्मेदारियां तब कहां थी जब इतने समय से यहां कोचिंग सेंटर्स चल रहे थे बेसमेंट में, यहां लाइब्रेरीज चल रही थी। हादसा होने के बाद, 3 जाने जाने के बाद तब आप ये प्रेस रिलीज देते हैं। इतने समय से प्रशासन क्या कर रहा था? प्रशासन हरकत में केवल तब क्यों आता है जब हादसे हो जाते हैं? नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि बेसमेंट का इस्तेमाल सिर्फ स्टोरेज के लिए या पार्किंग के लिए किया जा सकता है, लेकिन दिल्ली में राव कोचिंग सेंटर में जो हादसा हुआ उसे लेकर एक बहुत चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। देखिए किस तरह बेहद तेजी से, क्योंकि बारिश तो करीब आधे घंटे 40 मिनट हुई, उससे ज्यादा तो हुई नहीं, कितनी तेजी से पानी बेसमेंट में दाखिल हुआ और महज 3 मिनट में उस छोटे से बेसमेंट में 10 फीट पानी भर गया और 3 छात्र छात्राएं उसमें मारे गए। आज तक के हाथ वो वीडियो लग गया है जिसमें खुलासा होता है कि राव आईएएस कोचिंग सेंटर में हादसा कैसे हुआ। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बाहर यहां पर लबालब पानी भरा हुआ है। ये पानी बारिश का पानी था और यहां पर जो वीडियो है उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बारिश के पानी में जो बाइक्स हैं वो डूबी हुई हैं और अचानक से इसी सड़क से, इस साइड से एक कार वीडियो में आपको आती हुई दिखाई दे रही होगी। तेज रफ्तार से जब कार यहां से गुजरती है तो पानी में वेव्स आता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ जो राव आईएएस कोचिंग सेंटर का ये गेट है जो वीडियो में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, उस लोहे के गेट से जो बारिश का पानी है उसको रोकने की कोशिश यहां पर की गई थी, लेकिन जैसे ही कार यहां से गुजरती है पानी में वेव्स आता है और उसके बाद जो सड़क पर बारिश का पानी जमा हुआ था वो पानी अचानक से बेसमेंट के अंदर दाखिल होने लगता है। अगर आप वीडियो में देखें तो लोग शोर शराबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पानी में वेव्स आने की वजह से जो लोहे का गेट है वो गेट टूट जाता है और उसके बाद फिर पानी बेसमेंट के अंदर दाखिल होने लगता है। आनन फानन में जो स्टूडेंट बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे उनको बाहर निकलने के लिए कहा जाता है, लेकिन इस दौरान 3 ऐसे स्टूडेंट थे जो बाहर नहीं निकल पाते हैं और पानी में डूबने से उनकी मौत हो जाती है।